मेरा चैनल है तो अपने चैनल में कम्युनिटी में पोस्ट सिर्फ मैं कर सकती थी, लेकिन अब एक ऐसा फीचर आएगा जिसमें मेरे चैनल पर और भी लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर और भी लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है शिवानी अमलपुर ऑफिशियल में। कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होगे, व्यस्त होगे, मस्त होगे एंड स्वस्थ होगे गाइस। वही यूट्यूब ने कुछ नौ ऐसे फीचर दिए हैं जिन फीचर से आपके चैनल पर बहुत ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ने वाला है। अगर आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज नहीं आता है या फिर आपके लॉन्ग वीडियो पर व्यूज नहीं आता है तो आपकी वीडियो अब अच्छे से ग्रो करेगी। कुछ ऐसे फीचर आए हैं जो आपको भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाते हैं वो कौन से फीचर है। बताए तो और भी लोगों ने होंगे आपको, लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी ऐसे आपको कोई नहीं समझाता है। तो भाई आप लोग बने रहिए और अच्छे से देखिए, समझिए क्या क्या अपडेट है। हालांकि दो अपडेट तो इसमें का मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने अब ये सारे के सारे एक ही वीडियो में बता देने हैं। सात अपडेट आप लोग के लिए न्यू रहेंगे, दो अपडेट मैं पहले से बता चुकी हूँ तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ पाओ, ठीक है। तो साइड में मैं स्क्रीन लगा दी हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 9 न्यू फीचर्स वी अनाउंस्ड एट मेड ऑन यूट्यूब 2024। भाई 2024 में 9 न्यू फीचर्स अनाउंस करने वाला है यूट्यूब, वो कौन कौन से हैं भाई ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है और ये कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अभी कुछ भी है नहीं, यहाँ से आप सुन भी सकते हो, बट मैं आपको सारा कुछ बता दे रही हूँ क्या अपडेट है। तो पहला जो अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जो अच्छे से आप लोग को क्लियर रहे। पहला है फर्स्ट वाला, व्यू इज कमिंग टू ड्रीम स्क्रीन। इसका मतलब क्या है ड्रीम स्क्रीन? भाई देखो, अभी तक अपन लोग जो है शॉर्ट पर वीडियो बनाते थे, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन में पीछे लगा सकते थे, वैसे ही अब इसमें इस प्रकार के कुछ बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। 6 सेकंड की वीडियो में आप मन चाहा बैकग्राउंड लगा सकते हो। आप अपना वीडियो नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ से AI से कन्वर्ट करवा सकते हो, खुद यहाँ पर लिख कर कुछ भी यहाँ पर अच्छा सा बैकग्राउंड बनवा सकते हो। ऐसा नहीं जो दिया हुआ है वही आप सिर्फ लगा सकते हो, ये बताया हुआ था, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, बताते हैं आप लोग को अगला अपडेट क्या है। गाइज आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को अंत तक देखना। अंत वाला जो मतलब लास्ट वाला अपडेट बहुत ही शानदार है, देखकर ही जाना भाई। तो यहाँ पर जो अगला है इंस्पिरेशन है, इसमें भाई क्या दे रखा है यूट्यूब ने, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो गए, ये अपना क्रोम ब्राउजर में डैशबोर्ड जैसा ओपन हुआ है। यहाँ पर सब लोग अपने चैनल को नहीं देखते हैं डैशबोर्ड, लेकिन मैं तो देखती हूँ और भी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोग को क्या फीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि रिलेटेड वीडियो थंबनेल्स, कुछ थंबनेल्स ऐसे, और यहाँ पर यूट्यूब आपको खुद थंबनेल बना के दे देगा। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिख दीजिए जैसा आपको थंबनेल चाहिए हो, उस आइडिया का थंबनेल यहाँ पर दे देगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस तरह से थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग कमेंट्स का रिस्पॉन्स कर सकते हो, कमेंट का अच्छे से आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख दो भाई, ये अपने आप लिख के दे देगा। जो आपके ज्यादा वीडियोस चलती हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको देगा। उसके अलावा भी आप यहाँ पर बहुत सी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे कि जो वीडियो अभी के टाइम पर ज्यादा चल रही हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ये आपको खुद शेयर करेगा कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए, मतलब यूट्यूब आपको खुद बताएगा कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए। जैसे कि हुक क्या होता है, वीडियो पर अगर व्यूज नहीं आता तो इसके लिए हुक बहुत ही काम आता है गाइज। और भी चीजें हैं जो इसमें आप डीपली समझना चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं और बता दूंगी। बाकी अब अगले जो अपडेट है भाई उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखना ध्यान से, ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है कम्युनिटीज, भाई कम्युनिटीज में क्या दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम्युनिटीज आर ए न्यू
स्पेस दैट क्रिएटर्स कैन इनेबल ऑन देयर चैनल पेज फोस्टर डीपर उसके बाद रिलेशनशिप एंड ऑडियंस वोट क्रिएटर्स, यानी कि मतलब यहाँ पर ये है कि अभी तक जो चैनल का मालिक रहता था वही कम्युनिटी में अपने पोस्ट कर पाता था। जैसे कि मेरा चैनल है तो अपने चैनल में कम्युनिटी में पोस्ट सिर्फ मैं कर सकती थी, लेकिन अब एक ऐसा फीचर आएगा जिसमें मेरे चैनल पर और भी लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर और भी लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जब ही होगा जब मैं उनको अलाउ करूंगी, जो लोग होते हैं उनको अलाउ करूंगी कि भाई हाँ आप अपना भी पोस्ट मेरे चैनल पर डाल सकते हो। अगर मैं हाँ करूंगी तो वो लोग डाल सकते हैं, ऐसे नहीं डाल पाएंगे, बहुत से लोगों ने बोल दिया कोई भी डाले, ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पर वही लोग डाल पाएंगे जिनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो यूट्यूबर है उस पर मैटर करता है कि भाई अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला जो है अपडेट, यहाँ पर ये भी बहुत यूनिक अपडेट है, इसके बारे में भी मैं बताई थी, क्या है कम्युनिटी हब। तो ये कम्युनिटी हब क्या है भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या दिया गया है। द कम्युनिटी हब इज ए अपग्रेड स्पेस बाइटी स्टूडियो ऐप क्रिएटर मोर। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी कमेंट आता है तो उसका कमेंट्स का कम्युनिटी है, जो भी आपके चैनल पर अच्छा कमेंट करता है, जिसका कमेंट ज्यादा रहेगा, जैसे कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर जिसका ज्यादा कमेंट रहेगा, जिसका अच्छा कमेंट रहेगा, उसका यहाँ पर ना कम्युनिटी हब में बहुत ही ज्यादा अच्छे से कम्युनिटी हब में चैनल आ जाता है, लोगो आ जाता है। मैं इसको ओपन करके अच्छे से आप लोगों को दिखाई थी एक पहले वाली वीडियो में कि आप कम्युनिटी में अपना चैनल कैसे देख सकते हो, आपका चैनल मेरे चैनल पर शो होगा इस प्रकार से। तो ये भी काफी अच्छा है, यूनिक है। बाकी यहाँ पर ऑटो डबिंग है, ये भाई बहुत ही शानदार अपडेट है। ऑटो डबिंग का ना ये भाई होना ही चाहिए था, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान थे और इससे ना अपन लोग के व्यूज कम आया करते थे, अब इससे हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे, आपके भी ज्यादा आएंगे। क्यों, सुनिए ऑटो डबिंग क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, डबिंग कैन हेल्प क्रिएटर्स मेक वीडियोज मोर। ये पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक वीडियो दिखा रहा है भाई, ये वीडियो दिख तो रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें ना आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि ये है क्या। ऑटो डबिंग जो है लैंग्वेज से होता है, जैसे कि आप हिंदी की वीडियो बनाते हो, अब ऑटो डबिंग हो जाएगा, जैसे कोई इंग्लिश जानता है, अगर उसके फोन में इंग्लिश सिलेक्ट है तो उसके फोन में आपका वीडियो जाता है तो ऑटोमेटिक उसे इंग्लिश में आपका वीडियो दिखाई पड़ेगा। कोई आपका वीडियो जैसे कि बाहर देश में देखेगा तो उसको उसकी ही लैंग्वेज में दिखाई पड़ेगा। तो भाई इससे क्या होगा, वैसे हम लोगों का हिंदी लैंग्वेज है, बाहर की कंट्री वाले लोग देखते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है। हम लोग वीडियो देखते हैं, हमें इंग्लिश वाला समझ में नहीं आता तो हम लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही अब इसमें जिसका जो लैंग्वेज होगा वीडियो को उसका ऑटो डबिंग हो जाएगा, मतलब अपने आप वही लैंग्वेज हो जाएगा जो आगे देखना चाह रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं वही अपने आप हो जाएगा। तो इससे अब और ज्यादा अपने व्यूज इंक्रीज होंगे 100%, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अपडेट आ रखा है, ये भी बहुत ही शानदार अपडेट है, हाइप। ये हाइप आखिर है क्या गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वे इंट्रोड्यूसिंग ए वे व्यूअर्स रियली अराउंड हाइप स्मॉल। देखिए जो स्मॉल चैनल है उन पर ये हाइप वाला मिलेगा। अब स्मॉल चैनल का मतलब 10-20 सब्सक्राइबर या 50 सब्सक्राइबर नहीं, मैं आपको बताती हूँ कितने सब्सक्राइबर वाले को ये मिलेगा और इससे क्या होगा। देखिए गाइस ये हाइप वाला जो है ना, इस हाइप वाले पर आपको यहाँ पर जैसे कि सब्सक्राइबर का एक बटन होता है, वैसे ही कमेंट सेक्शन में एक हाइप वाला ये शो होगा। इस पे ना जितने लोग चाहे उतने लोग ज्वाइन करेंगे आपके चैनल के अकॉर्डिंग, इसमें सभी चैनल का जैसे कि पोल जैसा रहेगा, उससे सभी के चैनल का ये पता चलता रहेगा किस पे ज्यादा हाइप है किस पे ज्यादा नहीं है। तो ये हाइप वाला सिस्टम काफी बढ़िया है, इससे जो छोटे यूट्यूबर हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, स्मॉल यूट्यूबर हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही शानदार है। और ये हाइप वाला जो है ना, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये आप लोग देख सकते हो 2100 पॉइंट है। तो जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वही चैनल ज्यादा रिकमेंड किया जाएगा, इसमें पॉइंट सिस्टम चलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हाइप दिस वीडियो, जिस चैनल पर ज्यादा पॉइंट होंगे उसका चैनल ज्यादा रिकमेंड किया जाएगा, जैसे कि जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं उसका ज्यादा ही रिकमेंड होता है, वैसे ही ये हाइप का है। ये भी काफी अच्छा है, स्मॉल चैनल वालों के लिए है। और मैं आपको बता दूं ये सभी चैनल पर नहीं मिलेगा जिसका 500 से 50,000 तक है,
500 से 50 लाख तक है उनको मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। 500 से 50 लाख तक है उनको मिलेगा, या शायद 5 लाख का क्राइटेरिया है इसका, मेरे को इसका इतना कंफर्म नहीं है गाइज, बट यही है 5 लाख या 50 लाख कुछ इतना ही है, बाकी सबको मिलेगा। इतने में तो सभी का आ जाता है, जो भाई मिलियन वाले लोग हैं उनके लिए नहीं, बाकी सबका हो जाएगा। अब अगला जो 7 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूट्यूब शॉपिंग, भाई ये बहुत ज्यादा शानदार इसमें अपडेट दे दी है इन्होंने। जैसे कि आप लोग देख सकते हो देयर आर नाउ 2,50,000 क्रिएटर्स यूट्यूब शॉपिंग। ये जो है शॉपिंग वालों के लिए है, बहुत ही शानदार अपडेट है, जो अभी तक नहीं कर रहे थे वो भाई शॉपिंग का अपडेट से ये खुश होने वाले हैं। अपने लोगों के काम का नहीं है, क्योंकि अपन लोग शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते हैं तो छोड़ देते हैं इसको, हम नहीं बताएंगे ओके। तो यहाँ पर जो है अगला भाई बहुत ही शानदार है, यहाँ पर जो आपको चीज दे रहे हैं ना, गिफ्ट प्रोवाइड बाय ज्वेल्स, तो भाई ये है क्या आखिर। यहाँ पर आप लोग ये भी देख पा रहे हो कि प्ले हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइज। यहाँ पर ये अपडेट है जो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक वगैरह पर लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या होता है, जैसे कि किसी के लाइव स्ट्रीम चल रहा है, वर्टिकल लाइव स्ट्रीम, तो उसमें लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं। जैसे कि इसमें एक गिफ्ट का 100 रुपया डॉलर या हो सकता है 100 रुपये हो सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट मिलेंगे ये आपके अकाउंट में सीधा जाएंगे। अपडेट जो है यूट्यूब का, जैसे कि सुपर चैट मेंबरशिप और सुपर स्टिकर रहता था, कुछ उसी प्रकार है, लेकिन ये वर्टिकल लाइव में मिलेगा। अगर आप अपने चैनल पर लाइव नहीं करते हो तो भाई वर्टिकल लाइव शुरू कर दो, क्योंकि ये फीचर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके चैनल पर वर्टिकल लाइव रहता रहेगा। और ये फीचर काफी अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर जो लाइव में गिफ्ट वगैरह का इन्होंने डाल दिया, लेकिन लोग देंगे तभी मिलेगा, ज्यादा खुश मत हो ठीक है। बाकी ये आखिरी और 9वां है, इसको आप भाई देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है, स्टैंड आउट ऑन द बिग स्क्रीन। भाई ये है क्या आखिर, आप लोग समझिए। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रीन जैसा दिख रहा है आप लोगों को, अभी के टाइम पर आप लोग देख रहे हो एलईडी फोन से चलने लगा है, मतलब कनेक्ट वगैरह से चलता है एलईडी में फोन का, आप यूट्यूब चला सकते हो, सब कुछ चला सकते हो। तो उसमें ना अब ये कर दिया है, आपको अपने वीडियोस का सीजन बनाने को दे दिया, जैसे कि 1 सीजन 2 सीजन। अगर आपकी कोई एक वीडियो टीवी पर प्ले कर देता है तो आपके ये सारे सीजन प्ले हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इससे भी आपका जो व्यूज है अच्छे से इंक्रीज होगा, अच्छे से चलेगा ये सीजन वाइज। अगर आप अपने चैनल पर सीजन नहीं क्रिएट करके रखे हो भाई, क्रिएट कर लो। अगर आपका जो है वीडियो लोग टीवी पर देखते हैं, एलईडी वाला एलसीडी जो भी जिस पे भी देखते हैं, तो आपका व्यूज अच्छा खासा इंक्रीज होगा। तो दोस्तों यही था कुछ आज का अपडेट, और मुझे तो ये अपडेट सारे के सारे बहुत ही अच्छे लगे हैं। अब बात कर लेते हैं ये आपके अपडेट कब लागू होंगे, मतलब सभी चैनल पर कब आएंगे। तो ये जो है अभी इसका चल रहा है सिस्टम, अप्लाई करके देखा जा रहा है सही से काम करेगा, ग्रोथ होगा या नहीं होगा, फिर अप्लाई किया जाएगा। अभी बाहर के देश, जैसे कि यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, अदर कंट्रीज में इसका अप्लाई चल रहा है। तो अप्लाई अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये 25 में, यानी कि 2025 में आ जाएगा शुरुआत में ही। तो सभी लोग इसका ऐसा समझिए 90% चांस है ये आएगा, अगर नहीं आता ना तो ये देते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़े हैं, इसलिए इन्होंने दिया है। बाकी आप लोगों को आज का अपडेट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो जस्ट एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन अपडेट को, जिससे कि हर एक क्रिएटर इसका आनंद उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।